उतना स्ट्रगल हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में एक संदीप भैया कहीं ना कहीं, लेकिन कोई संदीप भैया बनना नहीं चाहता। खाना उसको आता है तो आता है भाई, नो डाउट, तू बनाएगा, हम खाएंगे, हम सामान हम लेके आएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। 100% रिलेटेबल है। और काफ़ी बार ख्याल आता है कि यार क्यों जॉब छोड़ी। पहले ये था कि बीटेक करी, उसके बाद ये था कि यार जॉब तो लेके जानी है, ठीक है जॉब ले ली, फिर जॉब छोड़ दी, किस लिए सरकारी जॉब करेंगे, उतर चुके हैं मैदान में तो फिर हार तो नहीं माननी। हेलो, मेरा नाम है शिवानी और हमारे साथ हैं अर्पित जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। एस्पिरेंट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेज़न प्राइम पे एस्पिरेंट्स का नया सीज़न आया है, तो हम अर्पित से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्हें एस्पिरेंट्स कैसी लगी और वो उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना मोटिवेट हुए हैं और सबसे अच्छा कैरेक्टर उन्हें कौन सा लगा, और संदीप भैया पे खास कर बात करेंगे। हाय अर्पित। हाय। कहाँ से हैं आप सबसे पहले? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। कितना समय हो गया यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। एस्पिरेंट्स देखी है? हाँ। कैसी लगी एस्पिरेंट्स? काफ़ी अच्छी लगी और रिलेटेबल लगी काफ़ी, क्योंकि यहीं शूटिंग हुई है और जर्नी काफ़ी मतलब सिमिलर है, तो अच्छा लगा देख के। कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? ऐसा तो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, हर किसी कैरेक्टर का अपना रोल है। जैसे वो अभिलाष, वो डीएम बंद, वो क्रैक कर पाता है, उसके फ्रेंड्स नहीं क्रैक कर पाते, तो काफ़ी प्रैक्टिकल उसमें दिखाया भी है। जैसे बुरी उसका फ्रेंड फेल होने के बाद उसको पता चल जाता है, जैसे सेकंड सीज़न में ही उसका डायलॉग है कि डिज़र्व हर कोई करता है पर बस की किसी की नहीं होती, तो उसे वो चीज़ पता चल जाती है कि हाँ मेरे बस की नहीं है, तो वो अपना वो फोकस शिफ्ट कर लेता है। तो काफ़ी लोग हैं मतलब कहीं ना कहीं हर कोई यहाँ रिलेट कर सकता है उस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छी थी। संदीप भैया और अभिलाष दोनों में से अगर चूज़ करना हुआ तो कौन से कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं? मैं संदीप भैया और अभिलाष, मैं अभी अभिलाष से ही रिलेट करना चाहूँगा खुद को। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें एक, हालांकि दोनों ही होपफुल थे, पर जैसे संदीप भैया के अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, देन ही गोज़ फॉर UPPCS, जितना स्ट्रगल उन्होंने किया है उतना स्ट्रगल शायद अभिलाष ने नहीं किया था, और उसको दो अटेम्प्ट और मिले एक्स्ट्रा। दो अटेम्प्ट और मिले थे एक्स्ट्रा। तो आई एम होपफुल कि मैं मतलब मैं अपने आप को एज अभिलाष देखना पसंद करता हूँ, एंड आई डोंट आई एम क्या कहूँ मैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो संदीप भैया वाला फेज मेरी लाइफ में आए। अच्छा। हाँ, हर कोई नहीं सर्वाइव कर सकता, उतना स्ट्रगल हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में एक संदीप भैया कहीं ना कहीं, लेकिन कोई संदीप भैया बनना नहीं चाहता। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मोटिवेट संदीप भैया क्या है, आपकी लाइफ में भी संदीप भैया होंगे, मेरी में इसके में किसी के भी संदीप भैया होते हैं जो आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। पर जिस फेज़ में वो है वो हर कोई फेस नहीं करना चाहता। मोटिवेशन तो क्या है, कोई भी दे सकता है, लेकिन जो जर्नी उन्होंने फेस की है इसलिए तो मोटिवेटर है, ताकि और कोई वो जर्नी से ना जाए, तो इसलिए। एस्पिरेंट्स 2 की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली कि इसमें जो संदीप भैया और अभिलाष का जो एक टसल दिखाया है उस पर क्या कहेंगे? उसमें अभिलाष के लिए काफ़ी मतलब उसका ही फ्रेंड बोलता है, वो गुरी के अलावा जो तीसरा फ्रेंड होता है एसके, कि अभिलाष स्टार्टिंग से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फिश था, पर उसने मतलब थोड़ा एथिकली भी उसमें वो काम करने की कोशिश की है। जैसे उसमें गुरी का वो शू वाला जो प्रोजेक्ट रहता है, एक कहीं ना कहीं अभिलाष अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, और संदीप भैया जब उसने उसको फायर किया, वो उसका प्रमोशन रोक दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें लगा था कि कहीं पर्सनल ग्रज आ रही है, पर अभी ये थर्ड सीज़न में देखते हैं कि सही में पर्सनल ग्रज थी अभिलाष की संदीप भैया के साथ या नहीं, तो उसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, आप कितना रिलेट कर पाते हैं? मतलब अभी आपने 3 साल ओल्ड राजेंद्र नगर में दे दिए अपने, काफ़ी लंबा समय हो गया, तीन साल का छोटा समय नहीं होता है। हाँ, तो कितना रिलेट कर पाते हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स 1 हो या एस्पिरेंट्स 2, क्योंकि एस्पिरेंट्स 2 हमें आगे का अपना फ्यूचर, एस्पिरेंट्स का आगे का फ्यूचर कैसा होगा आईएएस बनने के बाद, वो हमें दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है। जी, तो क्या लगता है आपको? जी, एस्पिरेंट्स 1 तो मतलब काफ़ी रिलेटेबल है, 99% ऑलमोस्ट रिलेटेबल है काफ़ी। आप मेरे और फ्रेंड से पूछेंगे तो उसमें थोड़ा कोई निगेटिव रिव्यू भी देगा,
काफ़ी पॉजिटिव भी देंगे। और सेकंड सीज़न की बात रही तो हाँ, जैसे 3 साल मेरे को हो गए तो मैं भी अपने आप को एज अ डीएम अर्पित देखना चाहूँगा, तो सेकंड सीज़न से ये काफ़ी मतलब वो है, उसमें दिखाया है स्ट्रगल क्या है डीएम बनने के बाद। तो अब ठीक है, ये वाला स्ट्रगल तो काफ़ी हो गया, तो उस वाले स्ट्रगल क्या आई एम पॉजिटिव अबाउट की जल्दी देखने को मिले वो चीज़। कैसी जर्नी रही है अभी तक ओल्ड राजेंद्र नगर में? अभी तक बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत, मतलब जो मेरा पर्सनल वो ओपिनियन है कि यार बनना सबको है, पर यहाँ ना सेल्फ कंट्रोल, जो माइंड, जैसे जो मेरी, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताऊँ कि जैसे बोलते हैं कि माइंड ना आपका सबसे अच्छा विलन भी है और सबसे अच्छा नौकर भी है। अगर आप उसको अपने आप को अगर माइंड के हवाले छोड़ दोगे तो आप उसके नौकर बन जाओगे। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होती है कि मैं शायद अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज शायद मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने शायद माइंड को उस जो करना चाहिए उस सही उतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। उसके अलावा रही बात स्ट्रगल की, पढ़ाई की, पढ़ाई इज़ इजी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप जो शायद 12th तक कॉलेज तक नहीं पढ़ते हैं, बहुत बहुत डाइवर्सिटी है सब्जेक्ट्स में, पर सिलेबस बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो एक थोड़ा सिलेबस का स्ट्रगल है और थोड़ा एक सेल्फ कंट्रोल का स्ट्रगल है, जो मेरा मतलब मेन जो रहा है। बाकी पढ़ाई इज़ इजी, और अगर कोई जस्ट ये सुन के कि यार पढ़ाई इजी है, सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है इतना पढ़ लेंगे, तो भाई मत आना, बिल्कुल मत आना। करना क्यों है पहले ये डिसाइड करना, उसके बाद आना यूपीएससी में। स्ट्रगल और सीरियसनेस, यूपीएससी मतलब ऐसे हलवा पूरी बिल्कुल नहीं, नहीं है। ठीक है, स्ट्रगल और सीरियसनेस की बात तो बहुत हो गई, कुछ मतलब लाइट हार्टेड चीज़ें बताइए कि मतलब दोस्त वोस्त के साथ कैसे समय बिताते हैं? हमेशा तो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कि एक वो लेजर टाइम भी होता है जिसे आप मूड रिफ्रेश कर लें, क्या करते हैं वो बताइए। लेजर टाइम में ये है कि सुबह उठना, ब्रेकफास्ट खाना, मैं लंच के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर 3-4 घंटे की सिटिंग रहती है, फिर 10-15 मिनट की वॉक, कॉफ़ी, उसके बाद फिर सिटिंग। जैसे आज मन नहीं कर रहा था उतना पढ़ाए, तो मैं अभी लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, तो ये सारे फ्रेंड्स हम लाइब्रेरी से आ रहे हैं, थोड़ा दिवाली का माहौल है, तो ऐसे शाम को आधा घंटा 1 घंटा ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। वीकेंड्स रहता है थोड़ा, हालांकि हमारे लिए संडे मंडे सब एक ही बराबर है, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो आ जाता है कि यार सैटरडे है या संडे है, तो उस दिन मूवी देख ली, और फ्रेंड्स के साथ भी मूवी देखने चले गए, रात को डिनर विनर करने के बाद वॉक करने के लिए आ जाते हैं। खाना वाना खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, मेरा टिफ़िन आता है। टिफ़िन आता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे अगर 2-3 लोग साथ में रह रहे हैं, अगर कोई एक खाना बनाता है तो वो खाना बनाएगा, फिर अगर अच्छा खाना बनाने वाला है तो भाई वो अच्छा खाना बनाएगा। नहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, पर हाँ जैसे ये है मेरा फ्रेंड, ये खाना बना लेता है, तो वंस इन अ मंथ हम कर लेते थे। हाँ वंस इन अ मंथ हम कर लेते थे। खाना उसको आता है तो आता है भाई, नो डाउट, तू बनाएगा, हम खाएंगे, हम सामान हम लेके आएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये काफ़ी कोऑपरेटिव चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, अच्छा है। रूम्स वगैरह के बारे में बताइए, यहाँ पे रूम्स कैसे होते हैं? रूम्स तो इस मामले में मेरे से लकी कोई नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो मैं आया था यहाँ पे कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद, सितंबर 2020 में आया था मैं, आफ्टर क्विटिंग माय जॉब। अच्छा, आपने जॉब छोड़ी हुई है, क्या करते थे आप? मैं प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में था, बद्दी हिमाचल इन टाइमएक्स कंपनी कॉलेज। ओके। तो कोरोना के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, जो एक जो फ्रेंड था उसको दिखाना, वो जो वाइट शर्ट में, तो वो मेरे से पहले आया था यहाँ पे, वो कॉलेज से जस्ट बाद आ गया था। मैं एक साल जॉब करके मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, तो उसी ने मेरे को रूम दिलाया था। और इस मामले में हम दोनों इतने लकी थे कि जो हमारा ओनर था, उन्होंने हमको 7000 में रूम दिया। 3 साल हो गए, रेंट आज तक नहीं बढ़ाया, और रूम बहुत लकी है, बहुत लकी हूँ मैं, टच वुड। मतलब मेरी तो यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी निकलूँ, बट ठीक है, अब नहीं, अभी थोड़ा चल रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि जब हमने इनसे बात करने की के लिए कहा था और इनसे बात करना शुरू किया था, ये लोग 4-5 लोग ऐसे खड़े हुए थे, और जैसे ही इन्होंने बोला कि हाँ कि इनको बात करनी है, सब के सब गायब हो गए। अब ये भाई साहब अकेले हैं हमारे साथ बात करने के लिए, और वो जो वाइट शर्ट वाले दोस्त हैं जो आपके, वो कोने में खड़े हुए हैं। ठीक है,
तो यही था रूम पर। हाँ मैं अभी जैसे रूम चेंज करने की सोच रहा था अभी 2 महीने पहले, क्योंकि एक रूम में 3 साल हो गई हूँ, तो मैं थोड़ा चाह रहा था कि यार वाइब्स चेंज हो, थोड़ा ग्रीनरी मिले, मैप्स मिले या नहीं मिले। मैप्स मैप्स थे, रूम पेंट करवाए, सारे रख दिए, सारे फोल्ड करके फिर से रख दिए। अच्छा आपने बोला कि आप पहले जॉब करते थे, आपने जॉब छोड़ के फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ऐसा ही कुछ अभिलाष का भी था, उसने जॉब छोड़ी नहीं थी बट उसने सबैटिकल लिया था। वो एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहा था, फिर उसने सबैटिकल लिया फर्स्ट सीजन में। और कितना रिलेट कर पाते हैं उससे, ऐसा कुछ रिलेटेबल लगता है कि यार जॉब छोड़ के फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर रहता है कि नहीं अब प्रूव करना है अपने आप को, या अटेम्प्ट्स कम बचे हैं, लास्ट अटेम्प्ट है। 100% रिलेटेबल है, और काफ़ी बार ख्याल आता है कि यार क्यों जॉब छोड़ी। आज 3 साल में मेरे फ्रेंड्स, किसी का 1 लाख पर मंथ प्लस पैकेज हो गया है, किसी का 80,000 समथिंग है, तो थोड़ा एक तो वो रिलेटिव प्रेशर लगता है कि यार कहीं देखो सोशल मीडिया पे सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई यार हम वहीं अटके हुए हैं। और अच्छा खासा मतलब ठीक चल रही थी जॉब, यार पहले ये था कि बीटेक करी, उसके बाद ये था कि यार जॉब तो लेके जानी है, ठीक है जॉब ले ली, फिर जॉब छोड़ दी, किस लिए सरकारी जॉब करेंगे। उस टाइम मेरा यूपीएससी में आने का वो नहीं था मोटिव, बट चीज़ें ऐसी हुई कि लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो उस वजह से यूपीएससी में आना पड़ा। हाँ पर ये ख्याल बहुत आता है कि यार क्यों छोड़ी जॉब, फिर वही है अब ऑप्शन कोई और नहीं है, अब उतर चुके हैं मैदान में तो फिर हार तो नहीं माननी। अच्छा एस्पिरेंट्स में जैसी फ्रेंडशिप दिखाई गई है, बॉन्डिंग्स दिखाई गई हैं, कितना सही है, या ऐसा कहते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर की जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो यहीं रह जाते हैं, सही है? रिलेशनशिप वाली लाइन थी वो कि रिलेशनशिप यहीं रह जाते हैं, उस चीज़ का तो मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं नहीं आया हूँ रिलेशनशिप में, और इतना माइंड अलाउ भी नहीं करता है अभी। और रही बात फ्रेंड्स की, हाँ फ्रेंड्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि 3 साल हो गए, तो 3 साल में मतलब काफ़ी मतलब मैच्योरिटी आई है, अब फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है किसी ने फ़ोन किया भाई आजा चलते हैं कहीं, नहीं ठीक है माता ठीक है, घर से दूर एक सपोर्ट सिस्टम हाँ और रहता है, तो मतलब स्ट्रगल इतना हो गया है ना कि आप अगर कोई आपको ना भी करता है ना तो आप मतलब कर लेते हो, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आज वो ना कर रहा है तो कल को हम भी ना करते हैं, तो अपने आप को संभालना, फिजिकल और मेंटल स्ट्रगल इतना हो चुका है तो काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है। हाँ फिर कभी कभी मिलते भी हैं, अच्छा भी लगता है, फिर पता है कि हाँ भाई साथ में ज़्यादा रहेंगे, मस्ती ज़्यादा होगी, इन द एंड तुझे भी क्लियर करना है, मुझे भी क्लियर करना है, एक दूसरे को समझाते भी हैं, कभी कभी नहीं हो पाता मिलना, ठीक है लाइफ है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। थैंक यू अर्पित, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अर्पित, जिन्होंने अपनी एस्पिरेंट्स होने की जर्नी हमसे साझा करी, और आप एस्पिरेंट्स 2 जो अमेज़न प्राइम पे स्ट्रीम हो रही है उसे जाके देखिए, और ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।